ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने आज बताया कि एक चरण में 12 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे, जबकि 15 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य के सभी चुनाव वीवीपैट मशीन से कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में 4,26,00,000 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए 56,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के साथ मोर्चाबंदी की कोशिश शुरू कर दी है। ममता ने इसी सिलसिले में मंगलवार को शिवसेना, एनडीए सरकार से हाल ही में अलग हुई चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, टीआरएस और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो नहीं मिल सकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान वाला यूपी कोका विधेयक आज पारित कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने यूपी कोका को काला कानून बताया। पहले भी विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया था, लेकिन विधान परिषद में ये पारित नहीं हो सका था। रामनवमी के जुलूस को लेकर दो समूहों के बीच झड़प होने के एक दिन बाद बर्धमान पश्चिम जिले के रानीगंज इलाके में आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिंसक संघर्ष में दो व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों को एक दूसरे से शादी करने से रोकने में खाप पंचायत के हस्तक्षेप को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।